जी। अरे सुनो गुरु दरि ध्यान, ओ बजोए मेरो जा दुनिया में डंका। अरे सुनो गुरु करे ध्यान, बजो मेरो जा दुनिया में डंका। मेरे हाथ का छेना दे उगाई दे सोने की लगता। कई बाबा तुमको सोने की लंका दक्षिणा में दे दे, बोले तो भोले क्या किया। तेरे नए सम्पूर्णा थकीनी, तेरे नए भोले ना थकीनी, इनने लियो दक्षिणा नाम गाए तब लंका माए दी। जैसे ही दक्षिणा में लंका दई, मैया कान लगी अब आगे बड़े दिन में तो रहवे के लिए जगह बनवाए पाई और बेव देने छड़ाई लगी। तो एक बात कही मैया ने, अरे छेन ते वाद न रहे पाऊ, अरे छेन ते जब में रहे पाऊ, छाती में परे वो कोई छेनू आगे लंका में दे ना बैठूंगी, जाद ना तेरी लंका जला करके राख कर दूंगी। तो गौर करना, अरे शिव के अंसर अवतार भये तब हनुमान शिव बने आए। गौर करेंगे, शिव के अंसर अवतार भये तब हनुमान शिव बने के और पार्वती वे पूछवनी तब सोने के आए के भवन जरा। रावण के पास लंका थी, भोले बाबा की बनी हुई थी, सीता को चुरा करके रावण ले गया। इधर राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं, रो रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनेनी। आपने मेरी सीता को देखा है। इधर सती जी के मन में शंका पैदा हुई, कहने लगी भोले बाबा तुम कहते थे कि वो तीनों लोगों के नाथ हैं, जो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और बात प्रभु से कहा छपो है जाके हाथ में डोरी और अपनी पत्नी के लिए इस तरीके से रोते फिर रहे हैं।
अगर तुम कहो तो एक परीक्षा ले आए। बोले बाबा कहने लगे पागल है गई, उन तीनों लोगों के नाथ की परीक्षा लोगी? तो सती जी मानी नहीं, चलने लगी, जाकर के वहीं घूमने लगी जहां राम रो रहे थे। और बड़ा ही बुरा हाल है दोनों भाइयों का कि लंका में युत सीता रोवे, वन में लक्ष्मण वीर एक दूजे मधुकर श्रेणी। और तुम देखी सीता मृग, अरे लता पता से पूछे तो बनवा, पहले गो छोरे रावण लंका से पूछ रहे हैं, आपने कहीं मेरी सीता को देखा है? अरे वन में कोई जीवन कोई पशु पक्षी, प्यास तजदई लगत नहीं कछु अच्छी, वन में कोई जीवन कोई पशु पक्षी, प्यास तज गई लगे ना कछु अच्छी।